ले आ भाई ले आ, कलेजी ले आ। अब पेड़ में चूहे तो दूर की बात, शेर दौड़े। हाँ हाँ सबर कर लो मियाँ। अबू आज हमने पप्पू के घर जाने या वो आएंगी? अबे हाँ अच्छा किया याद दिला दिया, ला फोन ला जल्दी से, इससे पहले वो आए मैं कॉल करके कह देता हूँ हम आ रहे हैं। दिलवर ये गोश्त कैसे तुमने नशे में की है? खैर हो गई बड़े मियाँ, कब्र में पैर लटकाए बैठे हो, कुछ तो खुदा का खौफ कर लो। तमाम अच्छी बोटी हफ्तेली और गरीबों के लिए हड्डियाँ आ तो तू कर लेना इससे, कहा भी है मुझसे ना करवाया कर। हाँ हाँ सबक मिल गया अच्छे से, अब तो खुद ही करूंगी। हाँ ठीक है। बाप दोनों ईद वाले दिन भी भारी गैर में चल रहे होते हो। अबे तू चुप कर, मुझे ये बताए तुफेल के घर से गोश्त आया कि नहीं? नहीं। हाँ बस ठीक है, ये दे तो उसे देना, वरना ऐसे कोई गोश्त वोश्त देने की जरूरत नहीं है। अब्बा क्यों कुर्बानी में गुनहगार हो रहे हो? अबे ठीक तो कह रहे हो, तू नहीं समझता, बल्कि अगर तू इसने गोश्त दिया ना तो इसकी थैली में चेक करियो, अगर हड्डे हुए ना तो चुप करके वही थैली इसे वापस कर देंगे और बोल देंगे हमारी तरफ से, पता भी नहीं लगेगा। दिलवर अबे अब क्या कर दिया? ये पुटके गोश्त दो थैलियां पड़ी थी, किधर गई? वो तो मैंने दे दी। किसको? पड़ोसियों को। अब्बू में दिया है दोनों थैलियां, खाला आंटी थैंक यू बोल रही थी। वेलकम।